कैथल विधानसभा सीट पर मतदान का काम पूरा होने के बाद तनाव की स्थिति देखने को मिली। कैथल में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का भाजपा के लीला राम गुज्जर से कड़ा मुकाबला हो रहा है। कैथल की आईटीआई में स्थित मतदान केंद्र के बाहर दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच कहासुनी होने के बाद हंगामा शुरू हो गया। एक गुट द्वारा पत्थरबाजी कर वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए। माहौल खराब होता देख पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को भगाया। कैथल की डिप्टी कमिश्नर प्रियंका सोनी ने बताया कि जिले की सभी चार विधानसभा सीटों पर शांति से मतदान का काम पूरा किया गया है। सभी उम्मीदवारों ने चुनाव प्रक्रिया पर संतोष प्रकट किया है और किसी मतदाता से भी शिकायत नहीं मिली है। डीसी प्रियंका सोनी ने माना कि आईटीआई के बाहर दोनों पक्षों में तनाव उत्पन्न हो गया था, जिसे पुलिस ने बल प्रयोग कर काबू कर लिया। आइए डीसी प्रियंका सोनी की यह बाइट सुन लेते हैं। हमने अभी अंदर जितने भी पोलिंग पार्टीज हैं और उनके हर एक बूथ के अंदर पोलिंग एजेंट्स थे और लगभग 3-4 पोलिंग एजेंट हर एक बूथ के अंदर थे। हमने उन सबसे बातचीत की है और उन सबके वक्ते में यही बात आई है कि ये पूरा सुबह से लेके पूरे 6 बजे तक जो पूरा भी पोलिंग प्रोसेस है वो पूरा पीसफुल हुआ है। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके जो भी पोलिंग एजेंट्स हैं वो सभी चुनाव की इस प्रक्रिया से पूरे सेटिस्फाइड हैं। उन्होंने किसी भी प्रकार की ना तो आपत्ति दर्ज की है, ना ही उनके द्वारा किसी भी वोटर के द्वारा ये कम्प्लेन की गई है कि वो वोट डालने से कोई वंचित रह गया। जो बाहर हुआ है वो कुछ यहाँ पे हुड़दंगबाजी हुई है, जिसके चलते थोड़ा शोर शराबे भी यहाँ पे चला था, लेकिन जो मेन गेट है उससे भी अंदर लगभग 100 मीटर का डिस्टेंस है अंदर बूथ तक, तो वहां तक कोई भी ऐसी प्रकार की गतिविधि नहीं हुई है जिससे कि इलेक्शन प्रोसेस जो है वो रुका हो। जरूर तनाव का और कहासुनी हुई है, जो सपोर्टर्स थे डिफरेंट कैंडिडेट्स के उनके आपस में कहासुनी की बातचीत रही है और पुलिस ने उनको डिस्पर्स करने की भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और सुबह से ही थोड़ा चार्ज माहौल यहाँ का था, पर मैं ये समझती हूँ कि पूरे 6 बजे तक वो काफी हद तक प्रशासन और पुलिस की मदद के चलते उसको काफी अवॉइड कर लिया गया। अभी हमारे पास सभी विधानसभा क्षेत्रों से रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं, क्योंकि अभी पोलिंग पार्टी समाप्त करके अपने सारे कागज वगैरह लेके फिर हमारे कलेक्शन सेंटर्स पे आएंगी, तो हम ये बात पूरी पुष्टि तरीके से तो हम 11 बजे के करीब बता पाएंगे। एसपी वरिंदर विज ने बताया कि पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से काम किया है। वरिंदर विज ने कहा कि किसी तरह की शिकायत मिलने पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है। चार विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर सभी जगह पे पीसफुल पोलिंग हुई है और जो आईटीआई के सामने दो पार्टी की आपस में छुटपुट बातचीत हुई थी और पुलिस ने उसको डिस्पर्स करने के लिए माइल्ड फोर्स का यूज किया। पुलिस पर सीधे आरोप लगाया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस सुबह से लेके लगातार यहाँ मुस्तैदी से खड़ी है। हमारे डीएसपी साहब, एसएचओ साहब, इंस्पेक्टर साहब और लगभग 35 से 40 आदमी लगातार यहाँ रहे और शाम को उसमें हमने फोर्स और भी बढ़ाई है ताकि किसी तरह की पोलिंग में जो डिस्टर्बेंस है वो ना हो। नहीं, ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं है हमारे पास। परसों रात को एक ठेका खुला में पुंटरी में मिला था, उसके खिलाफ हमने केस जो हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी उस पर लगातार हमारी पुलिस जाती रही। ऐसी कोई बात हमारे सर इन्फॉर्मेशन मिलती है उस पर हम तुरंत कार्रवाई करी है। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे तरफ से कोई डिले की। पुलिस इस टाइम इतनी इकट्ठी हो गई थी कि उस टाइम किसी को जान माल का नुकसान ना हो, उसके लिए पुलिस ने हल्का सा फोर्स का यूज किया। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। कैथल विधानसभा सीट के संभावित चुनाव नतीजों के बारे में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।